मुझे कंफर्म है चिकन डिनर टीम यहाँ पर एनकेटी है। ओपन में है, सर्कल में आना ही था कि अदरवाइज ब्लू जोन उनको यहाँ पे पनिश कर देते। अब एफएस पनिश करेगी जिस तरीके से सीक्रेट के ग्रेनेड जा रहे हैं। क्रिप्टो गैस टेकन डाउन, फॉलो अप ग्रेनेड आएगा, मोक्ष में यहाँ पे नॉक हो सकते हैं एंड नॉक होंगे भी। अब यहाँ पर एनकेटी को पता है कि अगर अभी फायदा नहीं उठाया तो एलिमिनेशन का तड़का कमजोर रह जाएगा। रियल एस्टेट का जो कंट्रोल है वो टीम एनकेटी के हाथ में, बट फिलहाल कोशिश जरूर यहाँ पे करेंगे। फायरबॉल के हाथ में नहीं है बट वाइज वन मैन आउट इन द ओपन है। सोमराज को यहाँ पे इंस्टेंटली नॉक कर दिया जाएगा। फिनिश पॉइंट भी यहाँ पे सीक्रेट कन्वर्ट करने में कामयाब हो चुके हैं। 2v4 को 2v3 में तब्दील कर दिया। अब आ गया ब्लू जोन सबसे बड़ा विलन, बिकॉज यहाँ पर एफएस को मजबूर किया जा रहा है आगे पुश करने के लिए। अगर गमला को पिक ऑफ करा यहाँ पर बातचीत हो जाएगी अभी। सीक्रेट इज गोइंग फॉर इट। अगर ट्रॉय को नॉक करा चीजें बदल सकती, बट जैसे इडियट्स को रहा एक एम गन पे, बट यस इट इज पीछे से जो मेरे हिसाब से आरू ने करी है और जो यहाँ पर महफिल जमा दी है, यहाँ पे मौका तक नहीं मिला। एनटीटी ने अपने हाथों से ट्रॉफी उठाई सेकंड डिनर की और थमा दी एफएस के हाथ में।